हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ Revolution में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 6, ठीक है ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा डिफरेंशिएशन का मेथड 3, जिसमें हम देखेंगे डिवाइड रूल। क्लियर? अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के लेक्चर 5 डिस्कस कर लिए थे, जिनमें हमने और कई इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस किए थे। डिफरेंशिएशन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था, और फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के विथ डेरिवेशन, ठीक है ना, हर फॉर्मूला कहाँ से आया था इसको हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, ठीक है ना, इसका डिस्कशन भी हमने बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का मेथड 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिवाइड रूल, कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन आपके डिवाइड में है, ठीक है ना, डिवीजन में है, तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करें, इसके बारे में हम इस मेथड में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले कौन बताएगा, ये डेफिनेशन बताइए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दो फंक्शन दूं, क्लियर, जैसे कि एक फंक्शन है आपके लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर? ये फंक्शन है, ये दो फंक्शन आपके क्या है, डिवाइड डिवीजन में है, तो क्या इसमें आप कैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे, बताइए, क्या इसमें आप मेथड लगाओगे डिवाइड रूल? नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, ये तो हमारा साइन एक्स अपॉन क्या होता है, कॉस एक्स, टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो बताइए क्यों इसमें हम लगाएं, हमारा डिवीजन वाला मेथड क्यों लगाएं हम, हमें कोई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा क्या होता है, टेन एक्स, और टेन एक्स हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? इतना चीज समझ में आया? तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या है। इफ टू फंक्शन आर इन डिवाइड, ठीक है ना, डिवीजन में है या डिवाइड में है, ठीक है ना, डिवीजन ज्यादा बेटर यहाँ पर मीनिंग करता है, तो आप डिवीजन कर लेना, ठीक है ना, एंड वी कैन नॉट चेंज इट इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? और हम कोई भी तरीका लगा के उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदल पा रहे हैं, देन वी अप्लाई डिवाइड रूल। क्लियर? अप्लाई कब करना है, जब ये पता चलना चाहिए आपको, ठीक है ना, कि हमें डिवीजन वाला मेथड कब अप्लाई करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कब अप्लाई करना है, जब कोई दो फंक्शन आपके डिवीजन में गिवन है, और हम कोई भी मेथड, कोई भी प्रोसीजर लगा के उन्हें किस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमारा डिवीजन मेथड या डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब डिवाइड रूल लगता कैसे है इसको देखिए। क्लियर? तो इसको क्लीन करूं, ये तो केवल आपके लिए समझाने के लिए था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है, हम कोशिश क्या रहेगी, हमारी प्रयास क्या रहेगा, कि हम कोई ना कोई प्रोसीजर लगा के उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, लेकिन जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, तब हम उसमें डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो डिवाइड रूल अप्लाई कैसे करते हैं इसको देखिए, कि मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्मेट में, क्लियर, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का। क्लियर? तो इस टाइप से आपका फंक्शन है, तो देखो किस तरीके से करना है, जी एक्स आपका एज इट इज रहेगा, इन टू एफ एक्स का आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस लगेगा, मल्टीप्लीकेशन में प्लस वाला लगता था, यहाँ पर माइनस लगेगा, और अब आपका एफ एक्स आपका एज इट इज रहेगा, जी एक्स का आपका डेरिवेटिव होगा, और अपॉन में आपका जी एक्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्लियर? ए आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और वाई आपका एक फंक्शन है। क्लियर? समझ में आया सारे बच्चों को, कि अगर कोई दो फंक्शन हमारे डिवीजन में गिवन है, और किसी भी प्रोसीजर से वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तब उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। किस तरीके से, जी एक्स आपका एज इट इज, एफ एक्स का आपका डेरिवेटिव होगा, माइनस एफ एक्स आपका एज इट इज, जी एक्स का डेरिवेटिव होगा, अपॉन में जी एक्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्लियर? समझ में आया सारे बच्चों को ये फॉर्मूला? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही यहाँ पर लिखा है, देखो ब्लू ब्रैकेट के अंदर यही लिखा है, आप देख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया किस तरीके से हमें डेरिवेटिव करना है? ओके, तो अब कुछ एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर? तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे इस लेक्चर का। ओके, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्लाई करना है फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है,
y इज इक्वल टू log x टू द बेस e अपॉन में cos x। क्लियर, ए फंक्शन है तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डेरिवेटिव करना है इसका। और आप बताइए कोई भी प्रोसीजर लगा के क्या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? नहीं। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी प्रोसीजर लगा लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारा कन्वर्ट नहीं होगा। और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमें डिवाइड रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको एफ एक्स मान लें, इसको जी एक्स मान लें। क्लियर, और डिवाइड रूल आप क्या कर दें, अप्लाई कर दें। तो कर दीजिए, क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होने वाला है आपका, जी एक्स, जी एक्स क्या है आपका, कॉस एक्स आपका एज इट इज रहेगा इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर, माइनस ओके, आपका लॉग एक्स आपका एज इट इज रहेगा और जी एक्स यानी कि कॉस एक्स का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर, अब बस इजीली आप रख दें वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स आपका एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस लॉग एक्स आपका एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपका माइनस की साइन एक्स होगा अपॉन में आपका क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर, ए डेरिवेटिव हो गया, अब इसको थोड़ा आप प्लस ए साइन प्लस हो जाएगा और अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। तो ए आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर, अगर दो फंक्शन आपके डिवीजन में गिवन है तो किस तरीके से उसका डेरिवेटिव करना है, ये समझ में आया आप सभी को? क्लियर, अब हम देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर, आगे मूव करें, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए इसमें कुछ ना कुछ तो छुपा होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या होगा आपका, साइन एक्स होगा। अब बताइए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, बताइए। तो डेफिनेशन को देखिए, क्या है डेफिनेशन, अगर कोई फंक्शन हमारा डिवीजन में दिए हैं दो फंक्शन और किसी भी प्रकार से हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन बी अप्लाइड क्या, डिवाइड रूल, ठीक है ना। अदरवाइज हमें डिवाइड रूल को अप्लाई नहीं करना है, समझ गए ना। तो क्या ये फंक्शन हम किस कोई भी प्रोसीजर लगा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं? अरे कर पा रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, यहाँ पर कोई भी हम डिवाइड रूल लगाने वाले नहीं है। ये इसलिए यहाँ से अलग से आपके लिए रखा गया है क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो कि डायरेक्ट आप डिवाइड रूल नहीं लगाने लगे। पहले हमें चेक कराना है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम अगर नहीं होता तो डिवाइड रूल लगाते। क्लियर, तो बताइए कैसे हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। साइन एक्स का यहाँ पर आप डिवीजन कराएं तो वन आएगा, यहाँ पे कराएं तो क्या आएगा, कॉट एक्स आएगा, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। वन आपका कॉन्स्टेंट है, कॉट एक्स आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका जीरो और इसका क्या होता है, माइनस के कॉस एक स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक स्क्वायर एक्स माइनस के। क्लियर, अब बताइए अगर इसको आपने देखा ही नहीं हो कि इतना इजी क्वेश्चन है और आप इसको मान लें एफ एक्स, क्लियर, और इसको मान लें जी एक्स और डिवाइड रूल अप्लाई कर दें, क्या मतलब, जब इतना इजी हो जाएगा तो हम अनावश्यक हमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। अगर अननेसेसरी अपन को मेथड क्यों अप्लाई करें, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म से हो रहा है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड से करेंगे। ये मेथड फर्स्ट था, बोला था आपको, बताया है मेथड, ये तो मेथड थ्री है, मेथड फर्स्ट से हुआ है ये क्वेश्चन। मेथड फर्स्ट क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म, कि अगर कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर, समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बेसिकली आपका डिवाइड रूल का नहीं था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का था, लेकिन आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था यहाँ पर, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि हमारा एक्चुअली में डिवाइड रूल का क्वेश्चन है। क्लियर, तो उसको देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है। हाँ, यह एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू वन माइनस के कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। क्लियर, तो इसको इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे।
तो अब आप कोई भी प्रोसीजर लगा ले ना, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी लगा लें, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट लगा लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट आप नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, डिवाइड रूल। तो क्या हो जाएगा, इसको एफ एक्स मान लें, इसको आप जी एक्स मान लें, क्लियर, और इसका डेरिवेटिव कर दें, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, जी एक्स आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो वन प्लस कॉस एक्स आपका एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, एफ एक्स का। तो एफ एक्स आपका क्या है, वन माइनस के कॉस एक्स माइनस आपका क्या लगता है बीच में, माइनस लगता है, और एफ एक्स आपका एज इट इज रहेगा, और जी एक्स का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वन प्लस कॉस एक्स, क्लियर, अपॉन में क्या होगा, जी एक्स का होल स्क्वायर, तो वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, क्लियर। इतना चीज सबको अच्छे से चमका कि नहीं चमका, आगे बढ़े, ठीक है। तो आप डेरिवेटिव करना है, देख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा माइनस, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, क्लियर, माइनस ये क्या होगा, वन माइनस के कॉस एक्स, और इसका फिर अगेन वन का जीरो होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स होगा, और अपॉन में आपका क्या है, वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, वन में कराएंगे तो साइन एक्स आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, क्लियर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर, ए ए प्लस हो गया। अब साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो पहले क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, फिर आपका क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना चीज आया सब बच्चों को समझ में, तो यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से क्या आया हमारा, टू साइन एक्स आया, और अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आया, क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में, क्लियर हुआ ना, कि अगर कोई दो फंक्शन आपके किस में हों, डिवाइड में दिए हों, और हम किसी भी तरीके से उन्हें क्या नहीं बना पा रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसमें क्या अप्लाई करेंगे, हमारा डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कर लीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, आगे मूव करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए आप लोग ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देखो आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा देखो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो आपको क्या बताना है, एफ डैश ए अपॉन टू, ठीक है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर। तो एफ एक्स आपका क्या गिवन है, लिख लेते हैं, फोर्थ जो आपका एग्जांपल है उसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यू अपॉन में ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर, क्लियर, अलग से लिख दिया हूँ, और एफ डैश ए वाई टू आपको फाइंड करना है, क्लियर। तो f डैश ए वाई टू तो बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले f डैश x फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। f डैश x कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, f डैश x का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन, क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ओके। तो अब बताइए कि क्या कोई भी मेथड अप्लाई करके आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पाओगे ना, कोई भी मेथड लगा लीजिए आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो एक ही प्रोसीजर बचा, डिवाइड रूल, ठीक है ना। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसको लगाना है, तो फॉर्मूले में ए तो आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और ए आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स। तो किस टाइप से फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपका होगा जी एक्स आपका एज इट इज रहेगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख दो, क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किस फॉर्मूले से, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्लियर। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दे तो थ्री आपका आगे आ गया, और एक्स का क्या हो गया, थ्री माइनस वन, एक पावर कम हो गया माइनस, क्योंकि जी एक्स आपका एज इट इज, एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस, एफ एक्स आपका एज इट इज, और जी एक्स को आपका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में जी एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, क्लियर।
अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कराते हैं थोड़ा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पर एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। इतना चीज आया समझ में, ए आ गया आपका एफ डैश एक्स। अब थोड़ा इसका और कैलकुलेशन कराएं, तो इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 3a² और x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस के 3x की पावर 4, और इसका इसमें कराएं तो प्लस के क्या आएगा 2x की पावर 4, अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। सारे बच्चों को इतना चमका कि नहीं चमका, ठीक है। तो क्या होगा, ए 3 है ये 2 है, तो क्या बचने वाला है 1 बचेगा, 3a² x² माइनस के x की पावर 4, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए आ गया आपका एफ डैश एक्स, क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में, तो अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ बाकी की, ठीक है ना, क्योंकि केवल वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अब क्या होगा एफ डैश ए वाई टू, क्लियर। तो इसमें एक्स के प्लेस पे आपको ए वाई टू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो कर दीजिए क्या आएगा 3a² और x स्क्वायर, मतलब x मतलब ए वाई टू का स्क्वायर, तो a² / 4 आएगा, माइनस इसका ए वाई टू का होल पावर 4, तो क्या आएगा a की पावर 4 अपॉन में 4 आएगा, क्लियर। और अपॉन में क्या होगा a² माइनस x का स्क्वायर, तो x यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए वाई टू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा a² अपॉन में 4 हो जाएगा, क्लियर। इसका भी होल स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए देखो एलसीएम तो आपके 4 सेम हो गए, ए 3a की पावर 4, ए माइनस के ए की पावर 4, तो क्या बचा 2a की पावर 4 अपॉन में 4, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3a² / 4 की होल पावर आपका 2 चलेगा, क्लियर। इतना चीज समझ में आया सारे बच्चों को कि नहीं आया, कुछ प्रोसीजर नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। एक्स की पावर यहाँ पर 4 था, ठीक है सॉरी एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 16 आएगा, क्लियर। क्या आएगा 16 आएगा, ओके। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर ए ही आएगा, तो अब एलसीएम डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब किस किस तरीके से होगा, तो अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड, तब ए भी 16 होगा, ए भी 16 अब सही है। तो यहाँ पर ए क्या हो गया 12 हो गया, तो 12 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा 11a की पावर 4 अपॉन में 16, क्लियर, ए बचेगा, ओके okay, क्योंकि वहां पर x की पावर 4 था, तो इसका 4 बार करेंगे तो 16 आएगा, क्लियर। अब देखो नीचे एलसीएम ले तो क्या आएगा 3a² / 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो 11a की पावर 4 / 16 अपॉन में क्या आएगा 9a की पावर 4 / 16, तो a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11/9, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा 11/9, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, तो यहाँ पर हमारा एफ डैश ए बाय टू का वैल्यू क्या आ गया 11/9, ओके। समझ में आया सारे बच्चों को किस तरीके से हमें करना है। हमारे पास कोई भी दो फंक्शन, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन आपके डिवीजन में गिवन है और हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम देखेंगे क्या कोई भी प्रोसीजर लगाने पर वो फंक्शन हम किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें क्या अप्लाई करेंगे, हमारा डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम कर ले रहे हैं तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करेंगे, उसके बाद देखेंगे डिवाइड रूल, ठीक है ना। अनावश्यक नहीं लगाना हमें डिवाइड रूल, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन को, तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को सारे बच्चे, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। तो समझ में आया सारे बच्चों को, चमक गया है डिवाइड रूल। मुझे पता है कि अगर सारे बच्चों ने ये वीडियो सिंसियरली देखी होगी तो उनको डिवाइड रूल बिल्कुल चमक गया होगा। लेकिन 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 अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x² कैसे आएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि इसको मैं बाकी के लेक्चर 6 से डिस्कस कर रहा हूँ, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 3 में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कैसे होता है डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। एक्स क्यू का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से होता है और बाकी के जो भी डेरिवेटिव कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, सारे डिस्कस मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो उसके लिए आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और बाकी के लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब आपको ये क्लियर होगा, क्लियर। समझ में आया,
तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों के साथ इसको वीडियो को शेयर करें। क्लियर? और इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो आएंगे नए मेथड के साथ, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ Devolution। KJ Devolution की तरफ से आप सभी को गुड बाय।